अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं फोतो और टेस्टिस या मर्दाना अंडों का माहिर डॉक्टर और सर्जन हूँ। छोटी सी मगर बहुत अहम इन्फॉर्मेशन मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, और वो तमाम लोग कि जिनकी ये कंप्लेन है कि उनका एक टेस्टिस ऊपर और एक टेस्टिस नीचे है, या ये टेस्टिस कभी ऊपर चला जाता है और कभी नीचे आ जाता है, और वो इसकी वजह से परेशान है। तो परेशान ना हो, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, और जो हमारे टेस्टिस होते हैं उनका नॉर्मल दर्जा हरारत हमारे जिस्म के दर्जा हरारत से मुख्तलिफ होता है। और जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे जिस्म का दर्जा हरारत 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि टेस्टिस का जो नॉर्मल दर्जा हरारत है वो बॉडी के दर्जा हरारत से 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। एक और बात जो आपके जानने के लिए जरूरी है कि इंसानी जिस्म को जब भी ठंड लगती है तो मुख्तलिफ तरीकों से जिस्म अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जिसमें शिवरिंग या कपकपी होना सबसे कॉमन फिनोमेना है। इसी तरह जब भी जिस्म को गर्मी लगती है तो इस सूरत में जिस्म अपना दर्जा हरारत पसीने निकालने के साथ कम करता है। ये दो फिनोमेनाज जो जिस्म के नॉर्मल दर्जा हरारत को मेंटेन करते हैं, ये टेस्टिस या मर्दाना अंडों में मौजूद नहीं होते। और जब भी इन्वायरमेंट का दर्जा हरारत नॉर्मल टेस्टिस के दर्जा हरारत से कम होता है तो टेस्टिस अपना टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ऊपर जिस्म की तरफ चला जाता है और वहां से हीट हासिल करता है। बिल्कुल इसी तरह ही जब भी जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता है तो टेस्टिस नीचे की जानेब लटक जाते हैं ताकि इजाफी दर्जा हरारत को कम कर सकें। इसका मतलब ये है कि जब भी मौसम ठंडा होगा, जैसे कि सर्दियों में या फिर सुबह के औकात में, तो अंडों का ऊपर जाना नेचुरल फिनोमेना है, और जब भी दर्जा हरारत ज्यादा होगा तो टेस्टिस का लटकना भी नॉर्मल है। अच्छा, अभी भी एक सवाल कुछ के जहन में होगा कि एक नीचे और एक ऊपर हो तो क्या? तो इसका जवाब ये है कि अगर तो एक अंडा ऊपर और एक नीचे है मगर है स्क्रॉटम या फोतो में, तब तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मगर कभी अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि टेस्टिस जो है मुकम्मल तौर पे गायब हो जाता है और बहुत कम आपको स्क्रॉटम में महसूस होता है, तो उसका मतलब ये है कि आपको मुमकिन है कि रिट्रेक्टाइल टेस्टिस या अनडिसेंडेड टेस्टिस नामी कंडीशन हो। रिट्रेक्टाइल टेस्टिस या अनडिसेंडेड टेस्टिस से क्या मुराद है और ये कंडीशन का इलाज कैसे किया जाता है, ये जानने के लिए अभी ऊपर नजर आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको एक टेस्टिस ऊपर और एक नीचे होने के साथ साथ इसमें दर्द या तकलीफ है या किसी भी किस्म की सूजन है और आप इसका इलाज जानना चाहते हैं, तो मेरे राइट साइड पे इस वक्त नजर आने वाले थंबनेल पे क्लिक करें और मेरी वीडियो को जरूर देखें। अगर आप टेस्टिस के हवाले से किसी भी किस्म का सवाल करना चाहते हैं या इलाज कराना चाहते हैं तो मुझसे आप अपॉइंटमेंट लेके रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0321236311। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल, अल्लाह हाफिज़।